क्या आपने कभी सोचा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर वाटर को वेपर में चेंज करना है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है जबकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। तो चलिए आइए इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप एटमॉस्फेयर में देखोगे तो इसमें एयर भी एग्जिस्ट कर रही है प्लस वाटर वेपर भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो हम बोलते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपका टोटल प्रेशर है। इस प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? 101.32 किलो पास्कल। अब ये जो प्रेशर है ये किसके बराबर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। अब सिर्फ वाटर वेपर के अगर आप पार्शियल प्रेशर को देखोगे तो 0.5 से 3 किलो पास्कल होता है, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर पर भी वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। थैंक यू।